अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में शुरू अल्लाह के नाम से, जो बड़ा करीम और नायत रहम करने वाला है। कल के तसलसल के जो टॉपिक हमने किया था वही टॉपिक आगे थोड़ा सा कल रह गया था, आज मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हमने डिस्कस की थी वो हमारे पास आइडियल इंटरनेशनल डेडलाइन थी, ठीक है। और कोशिश करें वीडियो को आखिर तक देखें ताकि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर हो, ठीक है। और kindly अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एज़ यूजुअल जो है सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। हमारी कावश है कि यही छोटी सी के लोगों तक अपने इल्म को पहुंचा दूँ जो हमसे हो सकें, ठीक है। तो अब हम जाते हैं अपने आइडियल क्या होता है, इंटरनेशनल डेडलाइन। ये मैंने एक छोटा सा वर्ल्ड मैप बनाया है, ठीक है। इसमें मैंने दो चीज़ें हाईलाइट कर दिए हैं, क्योंकि अभी हम टाइम जोन्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पहले लेक्चर में समझ लिए, अभी हम इसमें समझेंगे कि ये टाइम जोन्स क्या होते हैं और टाइम चेंज कैसे होती है और इसका हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स के साथ क्या ताल्लुक है, ठीक है ना। तो ये सारा उनका स्ट्रक्चर है। एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैं फिर बनाता हूँ अपने लॉन्गिट्यूड्स और लेटिट्यूड्स का। ये हमारे पास एक वर्ल्ड मैप है, ठीक है ना। ये सर्कुलर मैप है जो वर्ल्ड मैप को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये आपके पास हो गया इक्वेटर, ठीक है ना। ये आपके पास ये हो गया इक्वेटर, ठीक है, खत इस्तिवा। अब ये जो इक्वेटर है ये दो अर्थ को दो बराबर इसमें तकसीम कर रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, इधर ये और इधर ये। अब देखें ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, बिल्कुल ये सेंटर में जो है गुजरता है। एक और लाइन है जो अर्थ को दो बराबर इसमें तकसीम करता है, वो मैंने खींचा है, वो ये लाइन है, ठीक है ना, जिसके ऊपर मैं इस तरह निशान लगाता हूँ। ये क्या है, ये थोड़ा सा हाईलाइटेड है, इसका मतलब क्या है कि ये प्राइम मेरिडियन है। और ये किधर से गुजरता है, ये आपके पास गुजरता है इंग्लैंड से, जिसका दूसरा नाम है ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है ना, ग्रीनविच मेरिडियन। और यहाँ से टाइम जो है, यहाँ ये जीरो लाइन है, ये जीरो लाइन प्राइम मेरिडियन है और ये जीरो लाइन इक्वेटर है, ठीक है, ये भी जीरो लाइन है, ये भी जीरो लाइन है, ये इस तरह जीरो लाइन है और ये इस तरह जीरो लाइन है, ये इस तरह जीरो लाइन है, फिर 90 डिग्री पे ये डिवाइड है। उसको खैर उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी हम इस पे पढ़ेंगे कि टाइम चेंज कैसे होते हैं। और एक और बात बताता चलूँ कि ये जो लाइनें थे इसको हम लेटिट्यूड्स कहते थे, इन लाइनों को हम क्या कहते थे, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। लॉन्गिट्यूड्स टोटल जो है 24 लाइन्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स टोटल 24 हैं, जबकि लेटिट्यूड्स टोटल जो हैं वो 12 लाइन हैं, ठीक है ना, 12 लाइन। अभी हम ये चीज़ देखते हैं कि सूरज निकलता क्या है और इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, IDL इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसके बाद टाइम चेंज होता है, ठीक है। ये सपोज आपके पास यहाँ से टाइम 12 बजे फिक्स लिया जाता है, 12 PM या 12 AM, कोई भी टाइम आप ले लें, प्राइम मेरिडियन इंग्लैंड में सिर्फ 12 बजे, ठीक है। मैं इस चीज़ को सपोज देखता ही नहीं हूँ, मैं कहता हूँ जापान पर सपोज सूरज निकलता है, सो दैट्स व्हाई का जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, द लैंड ऑफ राइजिंग सन, क्योंकि सबसे पहले जो सूरज नमोदार होता है वो जापान पर नमोदार होता है और ये जापान है, ठीक है। अब अर्ली इन द मॉर्निंग है और उस वक्त जापान पर पहले ही सूरज की जो ले रहे हैं वो जापान की सरजमीन पर पड़ गए,
इसका मतलब ये है, सपोज यहाँ पे सुबह के इस वक्त 8 बजे, 8 AM है, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह 8 बजे है किधर? जापान। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जापान पर 8 बजे हैं तो थोड़ा सा आगे कोरिया वाले आते हैं, या फिर ये जो है ईस्टर्न पार्ट है उसका, चाइना का, या फिर यहाँ पे हांगकांग है, ताइवान है, ठीक है, रशिया की ईस्टर्न साइड है, ये कंट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग अभी 1 घंटा इंतज़ार, ए लाइन, मैंने आपको बताया था ना कि इन दो लाइनों के बीच में 1 आवर का फ़र्क होता है, कितना का फ़र्क? 1 घंटे का फ़र्क होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग 1 घंटा इंतज़ार करेंगे कि सूरज पहुँच जाए, क्योंकि ज़मीन इसके सामने यू रोटेट कर रही है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल सूरज एकदम इस पॉइंट पर है, ठीक है, बिल्कुल, मैंने साकिन इसको कुछ वक्त के लिए सूरज को मैंने खड़ा कर दिया, इस मुकाम पर है, ठीक है ना, बिल्कुल इसकी किरणें इधर पड़ रही है, किसी और जगह नहीं पड़ रही है, ठीक है ना। अब ये जो लोग हैं, सूरज अभी ज़मीन चूंकि यू जा रही है ना, यू यानी राइट टू लेफ्ट, तो सूरज यू आएगा, सूरज यू आएगा और ये यू मोमेंट कर रही है, ठीक है ना, फ्रॉम लाइट राइट टू लेफ्ट राइट। अब ये लोग किधर हैं, ये सूरज की रोशनी बिल्कुल इस जगह पर सपोज पड़ रही है, मैं वही मुकाम दिखाता हूँ, सपोज ये जापान है, ये जापान है, इस वक्त जापान पर सूरज की रोशनी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है ना, न एक मीटर इधर न इधर, ठीक है ना, इस मुकाम पर, ठीक। अब ये जो लोग हैं ये कितना इंतज़ार करेंगे, 1 घंटा इंतज़ार करेंगे कि ज़मीन रोटेट कर जाए और सूरज उधर पहुँच जाए, ठीक है। इसका मतलब ये है, इन्होंने 1 घंटा इंतज़ार करना होगा, ठीक है, कि ज़मीन रोटेट कर ले, 1 घंटे के बाद सूरज इधर पहुंच जाएगा तो इन लोगों पर भी सुबह हो जाएगी, राइट। अब जब आप इधर आते हैं, इस मुकाम पर होते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने 2 घंटे जो है इंतज़ार करनी होगी, राइट। अगर आप इस मुकाम पर हैं तो इसका मतलब है आपने 3 आवर इंतज़ार करनी होगी, 3 घंटे इंतज़ार करनी होगी। अगर आप इस मुकाम पर हैं तो आपने 4 घंटे इंतज़ार करनी होगी। अगर आप इस जगह पर हैं तो आपने 5 घंटे इंतज़ार करनी होगी। अब मैं टाइम नोट करता हूँ, अगर इधर इस वक्त 8 AM है तो इसका मतलब ये हुआ, मैं ये सपोज़ इधर ये पॉइंट इधर नोट करना चाहता हूँ, इस लाइन पर नोट करना चाहता हूँ, 8 AM है, इसका मतलब है इधर एक इस वक्त 8 AM है, तो इन लोगों ने 1 घंटा इंतज़ार करना होगा ना। इसका मतलब ये है कि इधर अब कितना है, 7 बजे है, 7 AM है, क्योंकि सूरज जो है वो 8 बजे निकलता है और इधर ये लोग 1 घंटा पीछे हैं, तो 1 घंटा इंतज़ार करना होगा सूरज को निकलने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको उनके जो टाइम है वो इस वक्त 7 बजे है, और इनकी जो टाइम है जो मतलब 2 घंटे पीछे हैं इनकी, यहाँ 6 AM है सपोज़, और इन लोगों की जो है वो इस वक्त 5 बजे है, 5 AM है, और इस वक्त इन लोगों की 4 AM है, और इन लोगों की जो है 3 AM है, और इन लोगों की जो है 2 AM है, और इन लोगों की 1 AM है, और इन लोगों की 12 AM है, सही है ना, 1 2 3 4 5 6 9, ठीक है ना। अच्छा 12 AM है, इसका मतलब ये 11 PM हो गए, ठीक है ना, और ये आपके पास 10 PM है इन लोगों के ऊपर, इन लोगों के ऊपर सॉरी 9 PM है, 9 घंटे इन्होंने सूरज के लिए इंतज़ार करना होगा, और इनके लिए जो है वो इस वक्त 8 PM है, सही है राइट। अभी देखिए ये 8 AM, ये 8 PM, आपके क्या ख्याल है कि ये 8 AM और ये 8 PM एक ही डेट में है? ऐसा तो नहीं, इसका मतलब ये हुआ इस टाइम के बाद इन लोगों का टाइम चेंज हो गया था, ठीक है ना,
कैसे चेंज हो गया कि रात हो गई, ठीक है ना, उस पे भी रात हो गई थी ना, लेकिन हम सूरज के निकलने की बात करते हैं थोड़े से टाइम को समझने के लिए कि जैसे ही सूरज निकल गया तो उनका दिन शुरू हो गया, यानी उनका तारीख शुरू हो गया। आमतौर पर अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे जब कोई मैसेज करता है तो सवेरे नहीं बल्कि 2-3 बजे रात को मैसेज करता है, अब भाई कल किधर हो। हम ये नहीं समझते कि ये 12 बजे के बाद तारीख चेंज हो गई है, हम कहते हैं कल इंशाल्लाह बस मैं ऑफिस में हूँ, कल से मुराद आज, ठीक है ना। तो मकसद मेरा ये है कि 12 बजे के बाद तारीख चेंज हो जाती है, ठीक है ना। अब इन लोगों के ऊपर जो है मिसाल के तौर पर 17 तारीख है, 17 तारीख है, ठीक है ना। अब इन लोगों पर कौन सा तारीख है, ठीक है ना, इन लोगों के ऊपर जो है अभी सूरज आएगा तो 17 आएगा, ठीक है ना, अभी तक सूरज नहीं आया ना, तो इसका मतलब इनका डेट अभी 16 है। तो ये इसका मतलब ये है कि दो टाइम, एक 8 AM है, एक 8 PM है, ये हर 12 डिग्री के बाद, हर 12 लाइन के बाद तारीख चेंज होता है, ठीक है, यानी आप नेक्स्ट डे में शुमार हो जाते हैं। मकसद मेरा क्या है, हर 12 बजे से आप स्टार्ट लेते हैं, यहाँ से 12 स्टार्ट कर ले तो आप इधर 12 पे जो है अपना तारीख चेंज करेंगे, ठीक है। सो हर 12 के बाद आपका डेट जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसको इंटरनेशनल कहते हैं डिजाइन। हमने चूंकि 8 AM से स्टार्ट किया था, 8 से स्टार्ट किया था, लेकिन 8 से भी आपकी आसानी के लिए मैंने इसलिए किया था, अगर आप 12 से स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट डे 12 इधर आएगा और आपका तारीख क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस लाइन को कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी इट इज अ लाइन आफ्टर एवरी 180 डिग्री और एवरी 12 लाइंस लॉन्गिट्यूड्स योर टाइम चेंजेस, आपका टाइम चेंज होता है। लॉन्गिट्यूड्स और लेटिट्यूड्स के लिए आपने पहला पिछला लेक्चर जो है गौर से पढ़ना है, गौर से देखना है, गौर से इसको समझना है, फिर ये चीज़ समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारे पास कुछ ममालिक है जिसमें टाइम सोन हम कहते हैं 1 है 2 है 3 है, बाज़ अवकात कुछ ममालिक 2 लॉन्गिट्यूड्स में आते हैं। सपोज आपके पास पाकिस्तान है, वो ये है, ये सपोज ये आपके पास पाकिस्तान है, ठीक है ना। अब पाकिस्तान आपके पास ऑलमोस्ट 2 टाइम जोन्स में आता है, लेकिन हम क्या करते हैं अपने आसानी के लिए एक ही टाइम जोन सपोज इस्लामाबाद कंसिडर करते हैं जो कि हमारा कैपिटल है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हम एक टाइम जोन है, हमारा एक टाइम है, हम उस टाइम के मुताबिक अपनी घड़ी जो है वो चलाते हैं। इसलिए बाज़ औक़ात इस्लामाबाद में जो है अफ्तार जो है हमसे पहले होता है और हम लोगों का बाद में होता है, उसकी वजह होती है कि हमारा टाइम जोन जो है वो कराची से थोड़ा सा मिला जुला हुआ है, हम कराची के नज़दीक हैं, लेकिन हमारा टाइम जोन इस्लामाबाद कंसिडर किया जा रहा है, उसकी वजह होती है कि वो हमारा कैपिटल है। दूसरा चीज़ क्या है, अभी मिसाल के तौर पर रशिया में सपोज कोई 9 टाइम जोन होते हैं या 7 टाइम जोन होते हैं चाइना में, वो क्या है, अभी सपोज आपके पास रशिया यहाँ से स्टार्ट है, बिलारस से स्टार्ट है वगैरह, ये जो कंट्रीज इधर है इसके साथ है, ठीक है ना, स्लोवाकिया वगैरह के करीब है, ठीक है, ये यहाँ है, ये आपका क्या है, ये आपका रशिया है। अभी रशिया देखो इस टाइम को फॉलो करे, इस टाइम जोन को फॉलो करे, इसको फॉलो करे, इसको फॉलो करे, इसको फॉलो करे, इसको फॉलो करे, यानी इसका मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारे लॉन्गिट्यूड गुजरते हैं, क्योंकि हर लॉन्गिट्यूड के बीच में 55 किलोमीटर का फासला है, ठीक है, 55 किलोमीटर का फासला है। तो इसका मतलब है ये जो लोग हैं एक टाइम जोन में होंगे, ये लोग दूसरे टाइम जोन, इनकी घड़ी अलग, इनकी घड़ी अलग। अगर आप सपोज आप है, ठीक है ना, आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे पहुँचते ही आपने अपनी घड़ी जो है इस टाइम जोन के मुताबिक लगानी है, और अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो आपने इसके मुताबिक लगानी है, और अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं इधर अपने, इसका मतलब है अगर आप रशिया में यू मोमेंट कर रहे हैं तो आपने हर 55 किलोमीटर के बाद अपनी इस टाइम को क्या करना है, चेंज करना होगा, तो आप टाइम के साथ सेट रहेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये था इंटरनेशनल डेडलाइन का कॉन्सेप्ट कि इंटरनेशनल डेडलाइन क्या होता है। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप इक्वेटर पर इधर उधर जा रहे हो, इधर उधर इक्वेटर पर जा रहे हो, तो याद रखें कि आपका टाइम चेंज होता है।
यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप इक्वेटर पर मोमेंट कर रहे हैं, इक्वेटर पर जा रहे हैं इस तरफ या इस तरफ, आपका टाइम इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। अभी देखो, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन ओवर द इक्वेटर, अगर आप स्टार्ट लेते हैं प्राइम मेरिडियन से, इक्वेटर पर चलना स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स द राइट, इसका मतलब ये हुआ कि यू आर गोइंग टुवर्ड्स द सन, यू आर गोइंग टुवर्ड्स द सन। नाउ आपकी मोमेंट भी इस तरफ है और सन की मोमेंट भी इस तरफ है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका टाइम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड टाइम डिक्रीजेस व्हेन यू मूव ओवर द राइट, सॉरी ओवर द इक्वेटर टू द राइट। जब आप राइट पर जाते हैं तो टाइम आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। व्हेन यू आर मूविंग ओवर द इक्वेटर टुवर्ड्स द लेफ्ट, इसका मतलब ये है सूरज इस तरफ आ रही है और आप यू इससे जा रहे हो, अगर आप अपनी स्पीड, सपोज रात का टाइम है 12 बजे और आप अपनी स्पीड सन की स्पीड के साथ मेंटेन कर ले रात के 12 बजे सपोज, ठीक है, तो आपके ऊपर मुसलसल 12 बजे रहेंगे सन की स्पीड के साथ आप चलेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप लिफ्ट पर जाओगे तो टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इक्वेटर पर जा रहे हो, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करके टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो आपका टाइम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और अगर आप राइट की तरफ जा रहे हैं तो आपकी टाइम इंक्रीज होता है। यह है टाइम का कॉन्सेप्ट कि टाइम इंक्रीज और डिक्रीज होता है। अब दूसरा चीज क्या है, दूसरा हम जो कहते हैं प्राइम मेरिडियन पर अगर मैं जा रहा हूं तो क्या होगा, प्राइम मेरिडियन पर ये चीज आइसोलेटेड नहीं है। मतलब से आइसोलेटेड से क्या मुराद है, आइसोलेटेड से मुराद कि 100% ऐसा कम होता है, ऐसा नहीं होता 100%। बहरहाल जो होता है कुछ जगह होता है कुछ जगह नहीं होता है, लेकिन हम 100% नहीं कह सकते, लेकिन ओवरऑल अगर फिनोमेना देखें तो ऐसा हो रहा है। अगर मैं इक्वेटर पर जा रहा हूँ तो टी टाइम चेंज हो रहा है, और अगर मैं इक्वेटर से लॉन्गिट्यूड्स पर जा रहा हूँ या प्राइम मेरिडियन पर जा रहा हूँ, प्राइम मेरिडियन पर जाऊँगा, तो याद रखें आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। क्या टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टी टाइम डिक्रीज होता है, टी टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इसका मतलब है जैसे ही आप इक्वेटर से दूर जा रहे हो तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि मैं अभी इसीलिए इक्वेटर पर जो है सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उसकी रीज़न यही है कि इक्वेटर जो है वो सूरज के नज़दीक है। अभी मैं इधर एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि ये जो लाइट है, सपोज ये मोबाइल है, उस मोबाइल की एक लाइट है जो मैंने ऑन कर रखी है, ठीक है ना, ये मोबाइल की लाइट क्यों ऑन नहीं हो रही है, ये मोबाइल की लाइट मैंने ऑन कर रखी है, सॉरी ऑन क्यों नहीं हो रही है, ये मोबाइल की लाइट मैंने ऑन कर रखी है, ठीक है, ये मोबाइल की लाइट इस वक्त सूरज है, समझे, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो इक्वेटर है, अगर ज़मीन टिल्टिंग है ना, ज़मीन टिल्टिंग है, तो आप देख रहे हैं कि ये इक्वेटर जो है बिल्कुल सूरज की रोशनी के किरणों के सामने है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये पार्ट और ये पार्ट सन दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं, यानी इसका मतलब है द सन रेज आर डायरेक्टेड ओवर द इक्वेटर, इक्वेटर पर वर्टिकल लग रहे हैं, डायरेक्टेड है, ठीक है। अगर आप ये रेज देखें इस पॉइंट पर देखें, तो
तो ये रेज जो है इंक्लाइंड लग रही है, यानी इस पोर्शन पर, इधर भी इंक्लाइंड है उधर भी इंक्लाइंड है, बिकॉज द अर्थ इज टिल्टेड 23.5 डिग्री, ठीक है ना। इस टिल्टिंग होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जैसे ही आपसे वो थोड़ा दूर चले जाते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अलबत्ता ऐसा 100% हमेशा नहीं है, क्योंकि ये जो आपके पास ओशियन है, ये ओशियन इस टेम्परेचर को बाज़ अवकात डिक्रीज करता है, बाज़ अवकात इंक्रीज करता है। इस फिनोमेना को भी हम डिस्कस करेंगे कि हाउ ओशियन बैलेंसेज द टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर हम ओशियन की जो ईट है, उसकी मोमेंट है, उसकी फ्लो है, उसकी टेम्परेचर बैलेंसिंग है, उसको नेग्लेक्ट कर लें तो ऐसा ही है कि व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल देन टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। टेम्परेचर के बेस पर इस रीजन को ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, या इसको कहते हैं टोरिड जोन कहते हैं, यानी यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इस वजह से इसको टोरिड जोन कहते हैं। और जब आप यहाँ से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, इस दरमियान पहुँच जाते हैं, इस रीजन का नाम है टेम्परेचर के बेस पर टेम्परेट जोन है, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ आप जाते हैं तो ये चूंकि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और जो है सिचुएशन फ्रीजिंग सिचुएशन तक पहुँच जाता है, इसलिए हम फिर इसको कहते हैं फ्रिजिड जोन, ठीक है। तो टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, एटमॉस्फेयर, इंटरनल स्ट्रक्चर, इसमें बात करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज़ वेलकम। काइंडली मेरे चैनल को एक बार फिर कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, और लोगों के दोस्तों के साथ जो है इसके बारे में बता दें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।